यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिटसेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पर्पज एक ही है कि आप समझिए पेपर का नेचर कैसा होता है, क्या होता है। कई सारी आप जो बुक सॉल्व कर रहे हैं उसमें कई सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो एक्चुअल में एग्जाम के नहीं है वो मिल जाते हैं। ऐसे में हम मिसगाइड हो जाते हैं, कन्फ्यूज जाते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा पेपर आता है, अगर बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग है तो इजीली कर सकते हैं। देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट अल्फा बीटा सच दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो आर रिस्पेक्टिवली। सिंपल क्वेश्चन है, कभी भी इन्फिनिटी बेस्ड क्वेश्चन आए तो एक सीधा सा लॉजिक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब नीचे और ऊपर की डिग्री को आपको चेक करना होगा। जैसे अगर यहाँ पर ध्यान दें तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करता तो ए अल्फा माइनस बीटा, एक बार चेक कर लेता हूं क्वेश्चन, ए अल्फा नहीं है, वही ए एक्स है, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, राइट। अब अगर मैं इसका एलसीएम लेता तो देखिए क्या होता है कि एक्स प्लस वन नीचे आएगा ही आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आपको ऐसी टर्म मिलने वाली है, अल्फा एक्स प्लस बीटा इन टू एक्स प्लस वन। जैसे अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा अल्फा एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होना चाहिए क्योंकि नीचे की डिग्री ऊपर की डिग्री को सेम बनाना है। यानी लॉजिकली आप इसको मेंटली कर सकते थे, अब इसका मतलब हुआ कि वन माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू हो गई वन। अब अल्फा की वैल्यू वन वाले दो ऑप्शन है, राइट, ये रिजेक्ट ये रिजेक्ट। समझिए क्या किया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसा लिखेंगे अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ साथ क्या क्या आएगा, एक बार अल्फा और एक बार बीटा प्लस बीटा फाइनली अपॉन एक्स प्लस वन। सबसे पहले ये आपस में कैंसिल होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर जीरो होना चाहिए, यानी वन माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, यानी अल्फा इक्वल टू वन, पहली चीज, राइट। अब ऊपर का एक्स भी नहीं बचना चाहिए क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी होता है जीरो, ओवरऑल आंसर जीरो, तो एक्स वाला जो टर्म है वो भी जीरो होना चाहिए, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू अगर वन है तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन। दिस इज द राइट आंसर, याद रखिए, क्योंकि इक्वल टू जीरो है। तो एक बात याद रखिएगा, इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में हमने सीखा हुआ है कि अगर ऊपर नीचे की डिग्री सेम हो, मान लो ऐसा हो, तो ए बाय बी आंसर, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो तो जीरो और न्यूमरेटर की ज़्यादा हो तो इन्फिनिटी। तो देखना यह कि इन्फिनिटी बेस्ड क्वेश्चन था, जीरो था, इसका मतलब ऊपर एक्स नहीं बचना चाहिए, यानी इसका भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो होना चाहिए और साथ में एक्स वाला टर्म भी जीरो, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीरो टू टू एन पाई मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस माइनस वन बाय टू मॉड ऑफ साइन एक्स। देखिए पीरियोडिक फंक्शन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, अब इसका पीरियड क्या होता है, अब देखिएगा इसका पीरियड होता है साइन एक्स का पाई। तो पीरियड को छोड़ के आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, जीरो टू एन ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ जीरो टू एफ एक्स डी एक्स वैन एफ ए प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, अगर पीरियड ए है तो ये मॉड लगने से पीरियड पाई हो गया। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि टू एन तो बाहर आ गया, और अब आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, चाहे तो जीरो टू पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स माइनस वन बाय टू मॉड के अंदर लिखा जीरो टू पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब समझिएगा, अब जीरो से पाई में इसका एरिया होता है टू, और इसका ये जीरो से पाई में इसका भी टू होता है, पर टू से टू कैंसिल, तो फाइनली टू एन, ये मिला टू माइनस वन, यानी ओवरऑल आंसर हो गया टू एन, देन टू एन इज द राइट आंसर। कभी भी याद रखिए मॉड फंक्शन का आंसर नेगेटिव नहीं होता, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता था, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू देन एक्स। इसको चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, कैसे, जैसे अगर मैं ऑप्शन की वैल्यू जीरो रखूं तो ये मिलेगा साइन इनवर्स वन पाई बाई टू, ये जीरो, यानी जीरो वाला कर रहा है। अब जीरो सभी में, अब माइनस वन बाई टू जब देखिए रखेंगे तो क्या होगा कि माइनस वन बाई टू पे ये मिलेगा साइन इनवर्स वन माइनस थ्री बाई टू, जो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए वन बाई टू वाले ये वाला आंसर तो रिजेक्ट हो गया। अब बात आती है, अच्छा इंटरवल होगा नहीं, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब अगर मैं केवल 1 बाय 2 रख के देखूं, जीरो तो कर रहा है, तो अगर मैं 1 बाय 2 रखूं तो ये मिलेगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1 बाय 2, यानी 1 बाय 2 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 1 बाय 2। अब क्योंकि ये पाई बाई 6 है और ये माइनस का, तो ये भी पाई बाई 2 नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी रिजेक्ट। तो बचा आंसर ये, यानी जब भी ऑप्शन से करो तो हमेशा राइट ऑप्शन पे, तीन रॉन्ग आंसर ढूंढ लो, अपने आप ही बचा हुआ राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए साइन बी कॉस ए आर इन जी पी
then roots of equation x square minus 2x quad b plus 1 equal to 0 are always. अब देखिए roots real है या imaginary ये decide करता है discriminant. अच्छा ये दिया है GP में, मतलब आपको एक तरह से दिया है sin square b equal to sin a into cos a, right? या ऐसा भी बोल सकते हैं अगर हम देखें sin a into cos a, इसको reciprocal कर दें तो cos a के into sec a equal to cos a square b, और cos a square b को आप लिख सकते हैं चाहें तो 1 प्लस cot square b, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं cot square b, क्योंकि है cot b के टर्म में दिया है, cot square b equal to हो गया cos a के sec a minus of 1. अब देखते हैं, अब इसका discriminant देखिए क्या होता है, b square minus 4ac, ये क्या है ये चेक कर लेते हैं. तो b square मतलब 2 का square हो गया 4, cot square b minus 4 केवल, right? क्या आ गया 4 into cot square b minus of 4. अब समझिए आपने एक तरह से 4 चाहो तो common ले लिया, तो मिला cot square b minus of 1. अब ये positive होगा कि negative, ये decide करना. तो cot square b की value रख दी कितनी, cot square b की value रख दी, या ऐसा भी बोल सकते हैं 1 upon sin a into cos a minus of 1, और ये minus of 1, यानी basically ऐसा आ गया ये 4 times of 1 माइनस, बोलिए कितना, 1 माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 sin a cos a अपॉन sin a cos a, राइट? आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस sin 2a, और 2 का डिवाइड कर दो इसमें और 2 का मल्टीप्लाई, तो 8 हो जाएगा, दिस इज आल्सो sin 2a. अब देखिए इसका रिजल्ट कभी भी याद रखिए, अगर sin 2a की हम बात करें तो sin 2a की बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 होगी या 1 से कम, यानी इसका मतलब एक चीज समझ लीजिए. अच्छा इसमें अगर आप छोटा भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि छोटा भी रखा, नेगेटिव भी रखा, तो भी ये क्या होगा, ओवरऑल रिजल्ट आपको देखना है कि क्या होगा. तो d b square - 4ac से अगर आप देखें तो ओवरऑल रिजल्ट ये पॉजिटिव मिलेगा, इसका मतलब रूट्स हम बोल सकते हैं यहां पर रियल होंगे, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, fx x square upon 1 plus x square, find the range of this function. अब देखिए range of this function is simply, अगर हम समझें तो 1 plus x square is always greater than or equal to 1. अगर x की value 0 रखी तो 0 मिलेगा, और अगर हम इसमें कुछ भी रखें तो ये 1 plus something यानी numerator से greater होगा, तो 0 to 1 is our right answer. ये question कई बार करा है, इसलिए previous year के question करने से confidence build होगा आपका, और वो confidence ही आपके scores को बढ़ाने वाला है. Note कर लीजिए question को.